उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल के कट्टर समर्थक बैठमा के युवा नेता नरेंद्र सूर्यवंशी को यूपी के हरदोई जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिसमें नियुक्ति पश्चात प्रथम नगर आगमन पर साथी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव अंतर्गत पांचवें चरण में होने वाले चुनाव के लिए हरदोई जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ को मजबूत करने और पार्टी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सूर्यवंशी को यहां जिम्मेदारी दी गई है। 2 दशक से राजनीतिक अनुभव के ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी सत्यनारायण पटेल की अनुशंसा और प्रियंका गांधी का द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर दी गई है। नियुक्ति पश्चात प्रथम बेटमा नगर आगमन पर शनिवार को सूर्यवंशी का साथी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नरेंद्र जी, आपको किस जिले की विधानसभा के का पर्यवेक्षक बनाया गया है? मुझे उत्तर प्रदेश की हरदोई जिला है, हरदोई जिले की 8 विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया है और पर्यवेक्षक मुझे राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल जी की अनुशंसा में बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश में बनाया गया है। मैं इस नियुक्ति के लिए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी को, प्रियंका गांधी जी को और प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस पद पर नियुक्ति की, और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो उस कारण ये है कि हम संघर्ष में जरूर है, लेकिन प्रियंका दीदी इतने अच्छे से लगे हुए हैं, उनका जितने भी रोड शो हो रहे हैं, उनके जो रोड शो सभाएँ हो रही है, मैराथन हो रही है, उन सभी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैराथन में भी लड़कियाँ खुल के सामने आई थी और जहाँ एक उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लड़कियाँ सामने आई थी और अच्छा समर्थन मिला है, तो उम्मीद यही है कि चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।